प्रतापपुर थाना क्षेत्र के निवासी अवधेश मिस्त्री की पुत्री प्रतिमा को शादी हिंदू रीति रिवाज से बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के पडरिया गांव निवासी मानशु शर्मा पिता गनौरी मिस्त्री के साथ सन 2018 में किया गया था। शादी के बाद प्रतिमा ने एक बेटी को जन्म दिया था, जिसको लेकर अक्सर ससुराल वाले प्रतिमा को ताने मारते थे। साथ ही बुलेट गाड़ी व 2 लाख रुपए मांग को लेकर हमेशा से प्रतिमा के साथ मारपीट करते रहते थे, जिसको लेकर कई बार मदनपुर थाने में प्रतिमा आवेदन देकर न्याय की मांग करती रही, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। प्रतिमा की मां ललिता को कहना है कि प्रतिमा को ससुराल वाले लोगों को बुलेट व पैसा नहीं दिए जाने पर मेरी बेटी को जान से मार दिया। हालांकि मृतका के परिजन प्रतिमा की हत्या के मामले में पति सहित 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, साथ ही न्याय की गुहार लगाई है। 2018 में शादी किए थे बच्ची को, हमेशा दहेज के लिए मारपीट करता था बच्ची को। उसको 30,000 के चैन दिए, 50,000 के बर्तन दिए, 3 लाख नगद कैश पैसा दिए हैं उसको। हमको बेटी के बुलेट गाड़ी टीवी फ्रिज कूलर के मांग करता था, पलंग मांग करता था। उसके चलते हम बोले कि मेरे बच्ची का अच्छा सा रखे, धीरे धीरे जितना औकात है उतना औकात के अच्छी से अनुसार से हम देंगे, हमको बच्ची का अच्छा सा रखे। वही बहाना से हमको बेटी के हमेशा मार पीट करते रहा। 3-4 बार थाना में आवेदन लगाए, थाना वाला नहीं लिया। थाना में एक बार आवेदन रखा, लिख के बॉन्ड लिखाया, 2 बार बोले कि ठीक है आपसे मारपीट नहीं करेगा। अच्छा, कौन सा थाना में आवेदन लगाया था? मदनपुर थाना में आवेदन लगाए थे। मदनपुर थाना के बड़ा बहू बोले कि अब नहीं मार उड़ करेगा, उसको बॉन्ड लिखा गया है, अब मारपीट करेगा, उसको 50,000 मांग पड़ेगा, उसको जुर्माना लगेगा। वही चलते लड़का फिर हमेशा 1 लाख रुपया के मांग करता था, पूरा फर्नीचर मांगता था सब सामान। उसी कारण में हमको बेटी के हमेशा मार पीट बेहालत जारी करते रहा, हमेशा 2 दिन में मारते रहा, हमेशा बेहालत कर करके। हमको बेटी आवेदन लिखा के थाना में आया, थाना के बड़ा बाबू नहीं लिया आवेदन, बोले कि तुमको नौटंकी है, तुमको आवेदन यहाँ नहीं रहेगा, जाओ जहाँ तुमको जे करना है से करो। बड़ा बाबू डांट के भगा दिया मेरा बच्ची को। अच्छा, कब आवेदन लगाने गई थी वो? 28 तारीख की गया हमारा बच्ची आवेदन लेकर, बड़ा वो डांट के औरंगाबाद थाना में, मदनपुर थाना में गए थे। 28 तारीख यहाँ से फिर उनको बच्ची घर पे गए, वहाँ शाम के 5 बजे हम बच्ची से बात किए कि तू आ गया वहाँ से, तब बड़ा वो मम्मी हमको डांट के भगा दें कि तुमको नौटंकी है, तुमका आवेदन यहाँ नहीं लगेगा, तुम यहाँ से जाओ। दरखास्त खाली रख ली है बड़ा वो, खाली बोले कि जाओ से, तुमको यहाँ हमेशा यही बात है, तुमको कौन फैसला करेगा, तुमको हम नहीं आवेदन रखेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ से गया घर पर गए तो बोले कि मम्मी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, गला से नहीं बन रहा, गला दबा के मार दिया, इसलिए गला से नहीं बन रहा है, बोले कि पूरा शरीर में दर्द है। हाँ सर, हम पैसा भी आदि थे बेटी के 1,000 खाता में से निकाल के भी जन्म को बची गया घर पर। वो बोले, हम बोले कि कल डॉक्टर बोला कि इलाज करा लो, सुई दवा करा लो, ठीक लगेगा तबीयत। गर्भवती महिला था, 7 महीने के पेट में बच्चा भी है, 2 साल के बच्चा है, 2 साल के बेटी लड़की है, उसके बाद 7 महीने के बेटे में बच्चा है। हम बोले कि सुई दवा करा लो। उसके बाद दोसर के मोबाइल से बात किया, हमको बेटी मोबाइल सिम सब तोड़ गया था हिमांशु, हमको बेटी पास मोबाइल भी नहीं था, बगल में मांग के बात किया हमको उससे। फिर वो मोबाइल धर के आया घर में, हमको बच्चा के छोटे नतनी के बाहर कर दिया घर में, केवाड़ी लगा के उसको ननद सास और हिमांशु। R9 भारत के लिए प्रतापपुर चतरा से रिपोर्ट।